नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। अवेकनिंग इंडिया एक ऐसा मंच जिसके जरिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के ये विचार युवाओं को आज भी वैसे भी प्रभावित करते हैं। ज़रूरत है बड़े पैमाने पर न सिर्फ इन्हें सुनने समझने की बल्कि इन्हें अमल में लाने की। और अवेकनिंग इंडिया या भारत जागरण का मकसद भी यही है कि स्वामी विवेकानंद को सिर्फ सुना समझा या उनके पोस्टर लगाकर उनकी पूजा ना की जाए बल्कि उन्हें जीने की कोशिश की जाए। एक बार फिर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, महेश दत्त शर्मा जी हैं, आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ महेश जी, जो कि ध्यान गुरु हैं, आध्यात्मिक उपन्यासकार हैं, और ईशान महेश जिनका संन्यास के बाद का नाम है। आपका महेश जी बहुत स्वागत है। विवेक भारती जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, स्वामी विवेक भारती, स्वामी विवेकानंद के विचारों को देश भर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने संस्थान विवेकानंद ग्लोबल अवेयरनेस फाउंडेशन के जरिए। उसकी स्थापना उन्होंने की थी और उत्तरी भारत के कन्याकुमारी के तौर पर वो जाना जाता है। आप दोनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक प्रेरणादायी घटना से, एक प्रसंग से। वर्ष 1898 स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वामी जी को दार्जिलिंग भेजा गया था। वहां उन्हें कलकत्ता में फैले प्लेग की खबर मिली। कलकत्ता के 3/4 लोग प्लेग के भय से शहर छोड़कर जा चुके थे। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा, हमें उनकी सेवा करनी होगी, भले ही उसके लिए हमें सब कुछ बेचना पड़े। हम साधु हैं, पहले भी तो पेड़ों के नीचे वास करते थे, हम वैसे ही रह लेंगे। यद्यपि स्वामी जी अभी भी अस्वस्थ थे तो भी वे कलकत्ता लौट आए। कलकत्ता के लोग प्लेग से अत्यंत भयभीत और व्यवस्था से अत्यंत निराश थे। वे इधर उधर भाग रहे थे, दंगों को रोकने के लिए सिपाही भेजे जा रहे थे। स्वामी जी ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया। मठ पहुंचकर उन्होंने प्लेग पर एक घोषणा पत्र रचा और उसका हिंदी एवं बंगाली में अनुवाद भी किया। वे प्लेग ग्रस्त लोगों के लिए तुरंत राहत कार्य शुरू करना चाहते थे। परंतु स्वामी जी, इन सब के लिए हमारे पास धन कहां से आएगा? क्यों, आवश्यकता होने पर हम ये मठ बेच देंगे, हमें उनकी सेवा करनी होगी, भले ही उसके लिए हमें सब कुछ बेचना पड़े। पेड़ के नीचे रहने और केवल भिक्षा में प्राप्त भोजन ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या हम मठ संपत्ति इत्यादि की चिंता करें, जबकि उनका त्याग कर हम इन रोगग्रस्त हजारों की सेवा कर सकते हैं? सौभाग्य से इस कठोर कदम की आवश्यकता नहीं पड़ी। राहत कार्य के लिए उन्हें शीघ्र ही अनुकूल साधनों का आश्वासन मिल गया। मठ के सन्यासियों से उन्होंने लोगों को सफाई एवं स्वच्छता सिखाने के लिए कहा। स्वामी जी के आदेशानुसार साधु सन्यासियों ने पूजा अर्चना शास्त्र एक तरफ कर स्वयं प्लेग ग्रस्त इलाके साफ किए। इस सेवा कार्य से प्लेग पीड़ितों को असीम राहत मिली। स्वामी जी द्वारा अपनाए गए तरीकों से लोगों में पुनः आत्मविश्वास लौट आया और स्वामी जी उनके लिए और भी प्रिय हो गए। उन्होंने स्वामी जी को व्यवहारिक वेदांत में प्रतिष्ठित पाया, क्योंकि वे वेदांतिक नियमों द्वारा अपने देशवासियों के दुखों और कमियों को दूर कर रहे थे। एक तरफ स्वामी विवेकानंद की ये प्रेरक प्रसंग, ये प्रेरक कहानियां जो बताती हैं कि वो चाहते तो अपने मठ में रह सकते थे, शांति के साथ रहते, स्वास्थ्य लाभ लेते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सुख के बजाय दूसरे बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों का दुख देखा, उनकी पीड़ा देखी, और खुद अस्वस्थ होने के बावजूद महामारी से पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए वो पहुँच गए। यानी कि स्वामी विवेकानंद के ये विचार, इतना खुद को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, इतना खुद को पहले मजबूत बनाना जरूरी है कि दूसरे के दुखों में उनकी सेवा करने में आप ईश्वर को देखें या अपने सुख को देखें। हर एक की कोशिश ये, और वो गलत भी नहीं है, कि आप पहले इंडिविजुअली खुद को बहुत स्ट्रांग करें, आप पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए करें, अपनी तरक्की के लिए करें। ये अपने वाला जो भाव है ये बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में सबके लिए करें वाला भाव कैसे आए? यही तो सबसे ज्वलंत प्रश्न है कि अपनापन है कौन, हम इसी को नहीं जान पाए। अब जिस तरह से आपने कहा कि स्वामी जी प्लेग में बंधते हैं, उस समय से वहां निकल पड़े, तो यहाँ रियलाइजेशन की बात है। स्वामी जी बंद कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि स्वामी जी प्लेग में जल रहे हैं, ये वननेस ही तो है। स्वामी जी बेलूर मठ में बैठे थे, विज्ञानानंद जी, रात का 2 बजे था बराबर में, विज्ञानानंद जी लेटे हुए थे, स्वामी जी एकदम बाहर निकले और चिल्लाए, मैं जल रहा हूं। विज्ञानानंद जी ने एकदम बाहर निकल कर देखा, स्वामी जी हतप्रभ और उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हैं तो ठीक। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप आराम करिए। बोले नहीं नहीं आप बहुत उद्वेलित हैं, क्या है, मैं जानना चाहूंगा।
विवेकानंद ने कहा प्लीज आप कमरे में जाइए सोइए। विज्ञानंद जी ने आग्रह किया, उनके सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि स्वामी जी आपको बताना होगा आप क्यों जल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि परसों आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख लेंगे, अब आप मुझे छोड़िए। फिजी द्वीप में उस समय 40 आदमी जहाज के अंदर जल रहे थे, वही समय था। दिस इज वननेस। आप कह रहे हो कि प्लेग में वो कमरे में बैठने कर रहना चाहिए था, उन्होंने कैसे रह सकते हैं भाई, ये साधारण आदमी, हमने वननेस को रियलाइज नहीं किया ना। आज हमारी जेब में 1,00,000 रुपया है, हम जेब कर अपने को देखना चाहते हैं, सामने से भिखारी है, हम उसमें अपने को नहीं ढूंढ पाते हैं और हम ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर ऐसे रियलाइजेशन नहीं किया जा सकता, आपको उसके तादाम्य से जुड़ना है, उसमें अपने को फील करना है। महेश जी, ये वननेस क्या सबके लिए ज़रूरी है? मतलब एक इंडिविजुअल जो जिसे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता से उसका लेना देना नहीं है, कम से कम वो आध्यात्मिकता के मायने शायद कर्मकांड तक ही समझता हो और वो अपने काम में मस्त है, क्या उसके लिए भी इस वननेस को समझना ज़रूरी है? वननेस तो अस्तित्वगत है। दो युवा मेरे पास आए, अच्छे धनी परिवारों से थे, उन्होंने कहा कि जी हम ध्यान सीखना चाहते हैं, हमने बहुत सारे कोर्स भी किए और हमने सुना आप ध्यान सिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक ध्यान प्रयोग देता हूँ, आउटसाइड का है, आंखें बंद करके बैठने का नहीं है। तुम एक काम करो कि कुछ निर्धन लोगों को ढूंढो जो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, फुटपाथ पर, बिल्कुल जैसे बस स्टैंड के नीचे पड़ा है, और उनसे जाके थोड़ी देर बातचीत करो। कर सकोगे? थोड़ी देर तो उन्होंने देखा एक दूसरे को। मैंने कहा देखो तुम कुछ सीखने आए हो तो एक ध्यान प्रयोग है, जाओ और बातचीत करो। वो गए, अगली बार उन्होंने मुझे कहा, बातचीत जब हुई कहते हमने पहली बार ये जाना कि मनुष्य का जीवन कितना नीचे तक जा सकता है। मैंने कहा अब ये सोचो, अगर परमात्मा तुम्हें ये बनाता, अभी तुम्हें क्या बनाया, एक धनी परिवार के पुत्र बनाया, और तुम्हें वही फुटपाथ पर घिसटता हुआ रोगी मनुष्य बनाता तो क्या होता? वो बना सकता था ना, उसने तुम्हें ये ना बनाकर ये बनाया, तो उसकी कितनी बड़ी कृपा, थैंक्स बोलते हो उसको? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ये रियलाइजेशन करो कि उसने तुम्हें इस समय 120 करोड़ लोगों से ऊपर बिठाया हुआ है, तुम्हारा क्या बस था अगर वो तुम्हें नाली का कीड़ा भी बना देता, नहीं बनाया। ये अहोभाव, ये भीतर धन्यता का भाव पैदा करो कि हे प्रभु तेरी कितनी कृपा कि तूने मुझे इतना समर्थ बनाया कि मैं औरों के लिए सेवा कर सकूं, और ये मेरा सौभाग्य है। तुम उनके निकट जाओ, बातचीत करो, उस करने से क्या होगा, जैसे अभी आपने दिखाया प्लेग में इन्होंने सेवा की, आज कोई बीमारी फैल जाए इस तरह कि हमारा युवा कैसे सेवा करेगा जब तक उसे अभ्यास नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दरअसल इसमें होता यह है कि ये तो अगर आप पॉजिटिव ट्रैक पर सोच रहे हैं तो उस तरीके से सोचेंगे जैसा आपने बताया, लेकिन आज मनुष्य इसके बजाय कि वो अपने से कमतर या अपने से कमजोर लोगों को, बीमार लोगों को देखकर उनके अच्छे होने की कामना करे के बजाय अपने से थोड़े बेहतर को देखता है और कहता है ईश्वर तूने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया, जिस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अखिल कुमार एक बार फिर क्या कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके क्या विचार हैं वो हम आपको सुनवाएं। स्वामी जी अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते थे, उनका मानना था कि अपने आप पे विश्वास करो, किसी और की बात पे विश्वास ना करो, जब तक आप किसी चीज़ को देख ना लो, समझ ना लो, उस पर विश्वास ना करो। उनके बारे में एक बचपन की कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार वो मतलब शरारती थे बाल्यावस्था में और पेड़ पे काफ़ी लटकते थे, झूलते थे, तो उनको डराने के लिए एक बाबा जी ने कहा कि इस पेड़ पे मत लटका करो, इस पेड़ पे भूत रहता है, आपकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन उनके साथ साथ उनके कई दोस्त थे, वो दोस्त तो डर गए लेकिन जो स्वामी जी थे वो फिर गए उस पेड़ के ऊपर, लटके झूले, शरारतें की उन्होंने, और अपने दोस्तों को बुला के कहा कि अगर ऐसा कोई भूत इस पेड़ पे होता तो मेरी गर्दन तोड़ चुका होता। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अंधविश्वास पे मतलब जो अंधविश्वास है उस पे विश्वास मत करो, अपने ऊपर विश्वास करो, करके देखो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, सबसे बड़ी बात थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहाँ पर अखिल ने उठाया, हम जो बातचीत कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को मैं इसलिए यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करना या खुद समझना, कहा जाता है भेड़ चाल में चलना, कि जैसे सब लोग चल रहे हैं, जैसे सब लोगों ने किया है उन्हें दे, खुद को कुछ समझना या ये सोचना कि मैं कुछ नया करने के लिए आया हूँ इस संसार में या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो लीक से हटकर है, वो ताकत युवा पैदा नहीं कर पाता, और इसकी वजह क्या होती है विवेक? बच्चों का युवक का कसूर नहीं है प्रवीण सर, इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली का बहुत कुछ दोष है। आज जो शिक्षा प्रणाली में विद्यालय में जो परोसा जा रहा है, मैं इसे दर्वित हूँ और मैं इसे दुखी भी हूँ।
इस राष्ट्र की धरोहर में सबसे पहले शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब शिक्षक ही स्वयं ज्वलंत नहीं है तो वो दूसरों को कैसे प्रज्वलित करेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, पहले अपने दीपक को प्रज्वलित करो। और जब अपना दीपक प्रज्वलित होता है तो उससे लाखों दीपक जलाए जा सकते हैं। प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि आज के युवक को हम भ्रमित कहते हैं, आज का युवक भ्रमित नहीं है। हर युवा विवेकानंद है, हर आदमी विवेकानंद है, लेकिन उसको रियलाइज कराने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो आज के विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा है, वो हमें करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए इस पर मैं अब बात करता हूँ, लेकिन एक ब्रेक उससे पहले लेना है। ब्रेक के बाद भी अवेकनिंग इंडिया जारी रहेगा, और ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद के एक और मजबूत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। पुरातन पौराणिक घटनाओं को रूपक में चिरस्थायी करने की चेष्टा करने से एवं उन्हें अत्यधिक महत्व देने से अंधविश्वास की वृद्धि होती है, और यह वास्तव में दुर्बलता है। सत्य के साथ कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। सत्य का ही उपदेश दो और किसी प्रकार से भी कुसंस्कार के पक्ष में युक्ति देने की चेष्टा मत करो, अथवा शिक्षार्थी की धारणा शक्ति के उपयोगी बनाने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर नीचे लाने की कोशिश मत करो। दूरदर्शन एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद पेश कर रहा है बेहतरीन क्वालिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर, कार्स और टीवी सेट्स पर दूरदर्शन के चैनल्स का डिजिटल क्वालिटी में लुत्फ उठा सकते हैं। DVB-T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर ई मार्केट पर कई प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध है। DVB-T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। देश के 16 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.ddindia.gov.in। सरकार की कोशिश, घर घर हो DD फ्री डिश। मनोरंजन की दुनिया में धमाल, बिना किसी मासिक भुगतान के बिल्कुल फ्री। फैमिली एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज, जिसमें है 80 टीवी चैनल्स, न्यूज व्यूज, सीरियल्स, म्यूजिक, फिल्म्स, स्पोर्ट्स के साथ साथ मौजूद हैं 40 रेडियो चैनल्स। DD फ्री डिश, आपके सपनों का देश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अवेकनिंग इंडिया में। ब्रेक से पहले वननेस की बात हुई, शिक्षा पद्धति में सुधार लाकर युवाओं के अंदर ये विश्वास जगाने के बारे में बात हुई, ताकि वो ये समझ सकें कि इस विश्व में जो कुछ हुआ है वो तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, यानी लीक से हटकर भी वो कुछ काम कर सकते हैं। और इसके लिए जैसा स्वामी विवेक भारती ने कहा कि शिक्षा पद्धति को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले वननेस की भी बात हो रही थी, और मैंने कहा था कि इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। वननेस में जब पॉजिटिव ट्रैक पर आप सोचते हैं, तब तो ये लगता है कि हाँ, जो दुखी हैं उनको देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, या जिस ज्वाला को अनुभव कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, उतनी अनुभूति ना होती हो, फिर भी आप देखकर आपको लगता है कि हाँ, ये कष्ट में है, इसकी मदद करना। इस भाव के बजाय आजकल ये भाव भौतिक दुनिया में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी और की तरक्की देखकर इंसान ये सोचता है कि भगवान ने इसे ज्यादा दिया, बेशक वो औरों और कई उससे कमजोर लोग हैं, उनसे बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन उसकी चिंता ये है कि अभी और भी लोग हैं जो उससे ज्यादा तरक्की कर चुके। ये भाव कैसा भाव है, क्योंकि ये एक बहुत आम भाव है, इसको हम देख सकते हैं, आम जिंदगी में देख सकते हैं, कई दर्शकों ने अनुभव किया होगा इसको। प्राचीन काल में अगर आप थोड़ा लौटें तो आप देखें कि जितने राजा होते थे उन राजाओं का एक राजगुरु होता था। क्यों आवश्यकता थी राजगुरु की? कि राजा अगर कुछ गलत करेगा तो कौन उसे डांटेगा, किसकी हिम्मत? लोग लोभ और भय के कारण राजा को कुछ नहीं कह सकते, क्यों कहें, बुरा मान जाएगा। राजगुरु की ये भूमिका थी कि वो राजा को अनुशासित करता था, ये भूमिका थी। आज क्या है, जो युवा वर्ग है उसको मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? आपको
याद होगा दिल्ली दूरदर्शन में पहले कार्यक्रम आता था ज़रा सोचिए, बहुत पहले, और उस ज़रा सोचिए से मैंने देखा कि बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने सोचने पर अपने आप को मजबूर किया। उस ज़रा सोचिए से सिनेमा हॉल पे प्राचीन काल में, आज़ादी के बाद सिनेमा ख़त्म होने के बाद राष्ट्रीय गान होता था सिनेमा हॉल के अंदर, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। जगह जगह सुंदर वाक्य लिखे होते थे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्थान स्थान से वो हटा दिए गए। जब आप परिवेश दूसरा प्रस्तुत करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? एक व्यक्ति को आप मंदिर में ले जाइए, वो वहाँ पर भी भक्त बन जाएगा। बदलता वक्त क्या नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है हमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें आवश्यकता है कि जो हमारी सांस्कृतिक छौंक है, जो हमारी संस्कृति का छौंक है, वो तो चला गया ना। हर समय उसको ये एहसास दिलाना, ये उसको अनुभव कराना कि मूल रूप से हमारी भारतीय संस्कृति एक शुद्धतम विनम्र संस्कृति है जो केवल एक शुद्ध चैतन्य की खोज में जाती है। तो विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी लेकर चलना है। जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? उसके अंदर आत्मचिंतन नहीं है। यदि व्यक्ति में आत्मचिंतन हो तो वो ये मानेगा ये शरीर मेरा नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे किसी काम के लिए सौंपा है, तो मैं क्यों आत्महत्या करूं? बिल्कुल गलत है। तो वो सुदृढ़ भाव से एक शक्ति, एक ऊर्जा उसके भीतर संचालित होगी कि किसी मूल्य पर मैं आत्महत्या करूंगा ही नहीं। स्वामी विवेक भारती जी, वैसे तो कोई भी कर्म ये नहीं माना जाता है कि छोटा है, क्षुद्र है, हर कर्म को बड़ा कर्म माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद युवा क्या अपने लक्ष्यों को और विस्तारित कर सकते हैं? यानी वो, जैसा कि अभी महेश जी ने भी कहा है कि वो ये समझें कि उन्हें ईश्वर ने कितनी बड़ी देन दी है, ये हाँ। शरीर, ये दिमाग, और यहाँ पर भेजकर एक लक्ष्य के साथ भेजना है इस संसार में, ये कितनी बड़ी नेमत है ईश्वर की। क्या इसे समझकर उसे अपने बड़े गोल तय करना चाहिए, या वो जो कुछ कर रहा है उस पर चलते रहना चाहिए, जैसा आप कह रहे थे कि उसी को पूजा मानकर उसी में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा काम। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अवेकनिंग इंडिया को आपको उठाने की आज क्या जरूरत थी? अवेकनिंग इंडिया के सामने जो इसने भी, आप लोग ये जो सीरियल लाए हैं, इस सीरियल से आज कितने युवाओं के अंदर परिवर्तन आ रहा है, मैं उसको साथ साथ देख रहा हूँ जब से सीरियल चला है। तो ये भी तो एक समय की मांग है। आपके भीतर कौन बैठा कि इस अवेकनिंग इंडिया के माध्यम से हम नवयुवकों को जागरूक करें? ये प्रेरणा कहाँ से आई? यह भी ईश्वरीय के द्वारा दिया हुआ उन व्यक्तियों के अंदर एक विचार है। हम राष्ट्र को, स्वामी विवेकानंद की 150 वर्ष की जयंती पर हम इस राष्ट्र को विश्व का गुरु बनाएं। और विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, इफ यू वांट टू नो द इंडिया, ये तो समस्त भारत को जानना चाहते हो, ए वन मैन इज कंडेंशन ऑफ इंडिया, जिसकी हर सांस में भारत बसता है, जिसकी हर सांस में भारत निकलता है, जिसके रोम रोम से भारत है। और वो आज वो व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। और आज का नवयुवक इस बात को महसूस करना चाहता है, इस बात को जीना चाहता है, इस बात को अपने जीवन के तादम में स्थापित करना चाहता है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? अवेकनिंग इंडिया विभिन्न पर्सनालिटियों को लाकर आज के इस युग को परोस रहा है। हमारा मकसद यही है स्वामी विवेक भारती, कि हम ये भी बताएं कि कैसे आप लोगों ने विवेकानंद को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि उनको जिया है। और हमने ऐसी कई जानी मानी हस्तियों से जब भी बात की तो जैसा लगता है कि आमतौर पर उन्हें हीरो की तरह माना जाता है, और हमने ये भी देखा है कि वो चाहे किसी फील्ड से जुड़े हुए लोग हों, चाहे खिलाड़ी अखिल कुमार हों या राजनेता डॉक्टर कर्ण सिंह हों, सभी लोग स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित रहे। डॉक्टर कर्ण सिंह क्या कहते हैं, एक बार फिर हम दर्शकों को सुनवाते हैं। ऐसे विचारों को प्रकट करते थे, ऐसी विचारधारा को प्रकट करते थे जो स्वयं में एक उज्ज्वल और प्रकाशमय विचारधारा थी, और वो अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, यानी वो तो कहते थे कि अगर श्री रामकृष्ण नहीं होते तो मैं कुछ विवेकानंदा का कोई नामो निशान नहीं होता। तो इन्होंने सारी कृपा गुरु की ली, गुरु का आशीर्वाद उनको सारी उम्र रहा, और इसलिए वो उनका जो प्रकाश गुरु का भी था वो भी उनके अंदर हमेशा बना रहा। एक सही मार्गदर्शक बहुत जरूरी होता है, ये तो हमने हमेशा देखा है। अब लेकिन एक चीज आपने भी ये कही कि आत्मानुभूति, स्वयं से तादात्म्य बैठाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद हम इस चक्कर में नहीं सोच पाते हैं कि कोई आएगा, कोई समझा देगा, कोई समझा देगा, या हमें कोई बहुत अच्छा गुरु नहीं मिल पाया, हमें रामकृष्ण परमहंस नहीं मिल पाए, या स्वामी विवेकानंद साक्षात नहीं मिल पाए। लेकिन इस पर भी जवाब ये मिलता है कि बेशक वो ना हो, उनके विचार हैं, उनकी किताबें हैं, उनका ज्ञान है, क्या ये पर्याप्त है? या आपको लगता है कि यहाँ इन चीज़ों को, ये जीना सिखाना, गणित सिखाने वाला मिल जाएगा, विज्ञान सिखाने वाला मिल जाएगा, सोशल साइंस सिखाने वाला मिल जाएगा, लेकिन ये जो जीना सिखाना है इसके लिए भी कोई चाहिए?
अरे ये समाज तो पाठशाला है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपने आप को समझ लो, कार्य शुरू करो। समझाने में अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब चले तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मेरा अनुकरण करो, आज विश्व अनुकरण कर रहा है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, एक छोटी सी बात कि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं 80 साल के युवा की बात करता हूँ। एक 80 साल का युवा आपको, मेरे एक मित्र हैं सत्यनारायण गुप्ता, झाड़ू का काम है, व्यापारी हैं, उद्योगपति। उन्होंने कहा कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ। आज उनकी स्थिति है, सुबह 2 घंटे ध्यान में अपनी कुटिया में बैठते हैं। धनी व्यक्ति हैं, व्यापारी व्यक्ति हैं, सारा दिन धन से संपर्क है। 2 घंटे कुटिया ध्यान में बैठते हैं, सुबह 2 घंटे, शाम को 4 घंटे एकांत अपने साथ। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हिमालय के वो गांव जहां पर कोई पहुंचता नहीं, उन गांवों में उन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा करके लाखों रुपए की शिक्षा सामग्री, चिकित्सा सामग्री वहां पहुंचाई। सेवा भाव पैदा हुआ, किससे? ध्यान से। 80 साल का मैं उसको युवा कहता हूं, वो वृद्ध नहीं है, व्यापारी हैं, शुद्ध व्यापारी हैं, लेकिन ध्यान के कारण वो, जिसको कहते हैं कि ध्यान और अध्यात्म दोनों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनफैक्ट कई बार जैसे आपने अपने मित्र का जिक्र किया, तो युवा केवल उम्र से नहीं है, उम्र से नहीं है, लेकिन ऐसे कई मित्र भी मिलते हैं जिनकी उम्र 30, 35, 25, 26 इस तरह की होती है, और जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कितना तनाव है जीवन में, कितनी परेशानी है, हमारे पास कुछ अब करने को नहीं बचा है, हमारे पास एक ब्लॉक आ गया है। और ऐसा लगता है कि वो बुजुर्गियत उम्र से नहीं है, वो बुजुर्गियत यहाँ इस सोच से है। तो अगर आप अपनी सोच से जवान बने हुए हैं, या आपके लक्ष्य, वो चाहे किसी भी उम्र में 80 साल में अगर आपको जीवन के लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि एक जीवंत उदाहरण अभी महेश जी ने सामने भी रखा है, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, या वो वृद्धावस्था जिसे उम्र से या शरीर की शारीरिक स्थिति से देखा जाता है वो कभी नहीं आ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार आप दोनों ने यहाँ हमारे बीच रखे। मुझे पता है कि अभी इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, और अवेकनिंग इंडिया के जरिए आगे भी हम इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों के विचारों को दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए महेश जी आपका और स्वामी विवेक भारती आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर यहीं तक, लेकिन हमेशा की तरह अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं awakeningindia.dd@gmail.com। हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। अवेकनिंग इंडिया में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है अपने अंतःकरण में, उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है, और सारी वक्रता सीधी हो जाती है।